तीन महिलाएं की दर्दनाक मौत हुई और पांच लोग घायल हुए। अनगिनत चमत्कार, अनगिनत कहानी, जितना कहा जाए बाबा के बारे में उतना ही कम है। मंदिर को देख के ऐसे लगा कि वो जन्नत है एक तरह की। समय जो भीड़ आ रही है वो लगभग उतनी भीड़ है जो कि वार्षिक मेले में आती है। अब इनोवेटिव तरीके से रीट्स मेंस एलडीसी सीईटी की करें तैयारी। फ्लिकी एजुकेशन के साथ ऑनलाइन लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के लिए डाउनलोड करें फ्लिकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। राम राम जी, मैं कुलदीप थे देख रहे हो जलखो सिक्कर और जलखो सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज एकादशी को पावन पर्व है और बाबा श्याम पर एकादशी का पावन पर्व पर जो खाटू श्याम जी में जो मेलो भरे जाए मासिक मेलो भी को एक दृश्य में थान दिखावा वो प्रयास करूँ। आज एकादशी है और एकादशी का पावन पर्व पर बाबा श्याम का दीदार करवा के लिए देश और दुनिया से उठे लोग पहुँच रहे हैं। सुबह एक घटना भी घटी गई है ठे भी घटना के मान तीन बुजुर्ग महिला समेत आप बात करा तो तीन अन्य महिला भी ही और दो पुरुष जी के मानो तीन महिला की मौत हो गई जबकि पांच महिला और पुरुष भगवानो दो ने जयपुर रेफर कराया गया जबकि तीनों ने खाटू श्याम जी अस्पताल के मान ले जाए बाद में प्राथमिक उपचार के बाद में भेज दियो गयो। तो इस प्रकार की घटना एक दर्दनाक घटना भी आज घटी गई खाटू श्याम जी की पावन धरा के ऊपर। कहाँ से आयो? रांची झारखंड। क्या कहोगे खाटू श्याम जी के बारे में? खाटू श्याम जी के बारे में कुछ कहा जा सकता है, श्याम बाबा ही सब कुछ है। श्याम बाबा के बारे में कहना सूरज को दिया दिखाना है। तो परेशानी तो नहीं हुई आने में? कोई परेशानी नहीं, एक बार दर्श मिल जाता है, एक झलक मिलते सब परेशानियां हल हो जाती है। आप क्या कहोगे? मैं भी रांची से आया हूँ। हारे का सहारा है, जो हारा है उसका सहारा है बाबा। आज भीड़ ज्यादा है तो किस प्रकार से सेफ्टी रखोगे बच्चों की? बच्चों को अपने साथ रखेंगे। कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। अच्छा, क्या कहोगे बाबा श्याम के बारे में? बाबा श्याम सबका काम बनाए। आप क्या कहोगे? बस सब पे कृपा बनाए रखें। बाबा के बारे में कुछ नहीं कह सकता, अनगिनत चमत्कार, अनगिनत कहानी, जितना कहा जाए बाबा के बारे में उतना ही कम है। कितनी बार आ चुके हो घर से? बाबा के मैं कई बार आ चुका हूँ और बाबा ने मेरे को उतना दिया है, मैंने मांगा हो उससे सवाया दिया है, लाख मांगा हो तो सवा लाख दिया है। कहाँ से है वो? इटारसी मध्य प्रदेश। कैसा लगा खाटू श्याम जी आके? आनंद है, बहुत आनंद है। पहले भी आए हैं। यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? आज अच्छी लग रही है सुबह के बाद से, सुबह तो भगदड़ हो गई लेकिन अभी व्यवस्था अच्छी है, अभी व्यवस्था अच्छी हो गई है। क्या कहोगे श्याम मंदिर कमेटी के? कमेटी को यही कहेंगे एक बार तिरुपति बालाजी या अकोला के पास शेगांव में है वहां जाके स्टडी करके आए कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। भक्तों की भीड़ बढ़ेगी, मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से भक्त दर्शन करें। दर्शन कर लिए? कर लिए जी। कहाँ से आए हो? दिल्ली से आए। कैसे दर्शन हुए? बहुत अच्छे। क्या कहोगे खाटू श्याम जी के बारे में? क्या कह सकते हैं, जितना कह पाए उससे ज्यादा है। कितनी बार आ चुके हो आप? चौथी बार है। आप क्या कहोगे? बहुत बढ़िया हुआ है, पहले से बहुत ज्यादा इंतजाम अच्छे कर रखे हैं, गर्मी की वजह से गर्मी का बंदोबस्त इतना बढ़िया कर रखा है, पानी पिला रहे हैं जगह जगह, किसी को परेशानी हो रही है तो बीच में से फिर वैसे भी निकाल रहे हैं। हम भाई आए, चार भाई, बच्चे भी आए हैं। हाँ बिल्कुल। बच्चों की सुरक्षा क्या लेके आए हो? सुबह ही तीन महिलाओं की मौत हो गई। नहीं वो हमको पता नहीं है लेकिन सुना तो दुख हुआ इस बात का हम लोगों को, लेकिन हम जितना भी है कि सेफ्टी करेंगे। कब आए थे? आज सुबह 11 बजे। अच्छा 11 बजे। तो कैसी व्यवस्था थी खाटू श्याम जी के? एक नंबर, मतलब मंदिर को देख के ऐसे लगा कि वो जन्नत है एक तरह की। तीन महिलाओं की दर्दनाक मौत होगी भी कबार हम क्या? वो क्या व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और तो क्या। कहाँ से आए हो? हिंडन सिटी से। क्या कहोगे खाटू श्याम जी के बारे में? खाटू श्याम जी के तो गाता ही गाता रहे हैं तो शुरू से ही, हम तो हर महीने 11 को आते हैं बाबा के यहाँ। तो आज की व्यवस्था कैसी थी? आज की व्यवस्था बढ़िया है, अच्छी है। सुबह तीन महिलाओं की मौत हो गई, पांच लोग घायल। देखो यहाँ की कमेटी का फर्क है, कमेटियों ने बेकार राग कर रखा है, कमेटी चाहती है तो कर हम ये लगाते हैं ना बैनर को लगाते नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। कहाँ से आयो? यूपी मैनपुरी। क्या कहोगे खाटू श्याम जी के बारे में? मन प्रसन्न हुआ है यहाँ पर आके। कितनी बार आ चुके हो पहले? मैं पहली बार आया हूँ, काफी नाम सुना है बाबा जी का तो मैं दर्शन कर लिए। हाँ जी। कैसे दर्शन हुए? सही दर्शन हुआ, काफी अच्छा लगा। कितनी क्या भीड़ लग रही है? भीड़ तो व्यवस्थापक बहुत अच्छी देखभाल कर रहे हैं, वहाँ पर भीड़ जमा नहीं होने दे रहे हैं बाकी, और
ठीक ठाक है कुल मिला के, सही दर्शन हो रहे हैं आराम से। दर्शन आराम से। आज सुबह 3 महिलाओं की दर्दनाक मौत हुई है यहाँ पे, उसके बारे में क्या? न्यूज में मुझे जानकारी मिली है। आप क्या कहोगे? खाटू श्याम की जय। दर्शन किए? हाँ किए। कैसे हुए दर्शन? अच्छे हुए। पहले भी आए हो खाटू श्याम? नहीं नहीं, पहली बार आए हो, हम लोग साथ ही आए। पापा देख सका कि खाटू श्याम जी के माने कती ज्यादा भीड़ अपन देख पान मिल रही है, और लगातार वो जो कारू है वो बढ़तो चले जा रहे है। सुबह की स्थिति में आप देखा तो जिकी नियंत्रण सु बारे हुई भीड़ अचानक सु, जिके मान 3 महिला की दर्दनाक मौत हुई और 5 लोग घायल हुआ भी के बाद में अब व्यवस्था है जिकी पूर्णतया नियंत्रण में है और पूरी सुशासन और प्रशासन का पूर्णतया सहयोग के साथ में कुछ जिका सेवादार है बस सेवादार के साथ साथ के माने वो कारू लगातार बढ़तो चले जा रहे हो और पूर्णतया एकदम शानदार तरीका से दर्शन कराया जा रहा है और लगातार जिका लोग है वे दर्शन कर रहा है और कई लाखों की संख्या के मान आज बाबा शाम को भक्त पे दीदार करेगा और लगातार भीड़ है जिकी धीरे धीरे दर्शन कर और बारे की तरफ निकलती चली जा रही है। देखिए प्रथम दृष्टया घटना में जो सीसीटीवी फुटेज है वो देख करके ये प्रतीत होता है कि बहुत सारी भीड़ जो है वो मंदिर परिसर का जो गेट है, मेन गेट है, वहाँ पर एकत्र हो गई है, जिसको एंट्री के टाइम पर मैं भगदड़ तो नहीं कहूँगा पर हाँ एक तरह का प्रेशर है, एक तरह की धक्का मुक्की सी है वहाँ पर, जिसमें कि ये घटना घटित हुई। जो एनालिसिस से समझ में आता है उससे ये लगता है कि उस समय जब ये प्रेशर माउंट हो रहा था उस समय थानाधिकारी को या तो मंदिर कमेटी से बात करके गेट खुलवाने की जरूरत थी या फिर वो और कुछ रिजर्व जाब्ता भी होता है पुलिस के पास में जो पॉइंट्स पर रखा रहता है, उस जाब्ते को लेकर के किसी तरीके से इन लोगों को धीरे धीरे निकालने की कोशिश करनी चाहिए थी, पर वो कॉल सही समय पर लिया नहीं गया ये मानते हुए प्रथम दृष्टया ऐसे जो के खिलाफ विलंबन की कार्रवाई की। देखिए बैरिकेड को लेकर के अगर हम बात करें तो इस समय जो भीड़ आ रही है वो लगभग उतनी भीड़ है जो कि वार्षिक मेले में आती है। वार्षिक मेले में हम 12-14 किलोमीटर लंबी बैरिकेड करते हैं और उस बैरिकेड के माध्यम से लोगों को लेकर के आया जाता है यहाँ पर हर 11 में या फिर हर शनिवार रविवार को वो बैरिकेड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो पूरा कस्बा है वो कस्बा उस बैरिकेड को करने से लगभग बंद हो जाता है और कस्बे के लोग विरोध भी करते हैं कि साहब ये बैरिकेड करके आपने हमारा रूटीन का आवागमन बंद कर दिया। ये निश्चित रूप से कुछ चीज़ें हैं जो कि सामने आ रही हैं, पर बहुत जल्दबाजी होगी इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में अभी बोल देना। उन सब चीज़ों पर जाँच हो रही है, डिविजन कमिश्नर साहब के लेवल पर भी जाँच होगी, तो वो सब चीज़ें जब तक स्पष्ट नहीं हुई तब तक इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना और मैं जब तक जाँच पूरी कम्प्लीट नहीं कर लेता तब तक किसी भी अन्य के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं पुलिस पर टारगेट रख करके अपनी बात को रखना चाहूँगा और ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी इंतज़ाम है इसमें जिसके भी स्तर पर बदलावों की आवश्यकता है उन बदलावों के प्रयास करने के लिए हम बाकी दोनों एजेंसियों के साथ भी कोऑर्डिनेट करके इसमें क्या बदलाव किया जाए ताकि बेहतर कर सके हम इसको। वार्षिक मेले में भी ये समस्या आती है कि एक जल्दी रहती है, लोगों को जल्दी से जल्दी दर्शन करना है। मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं दूंगा, श्रद्धालुओं को तो बिल्कुल दोष नहीं देना चाहूँगा क्योंकि वो लंबा इंतजार करके यहाँ पहुँचते हैं, कहीं ना कहीं बाबा के दर्शन करने की थोड़ी जल्दी होती ही है। मैं उन्हें दोष नहीं दूंगा पर आपकी तरफ से आपके माध्यम से ये अपील जरूर करना चाहूँगा कि जब वो यहाँ तक बहुत ही धैर्य के साथ आएँ थोड़ा हमें और सहयोग प्रदान करें, उनके दर्शन बिल्कुल कराए जाएंगे पर ये जो पीछे से पुश करके जल्दी पहुँचने की जिद है वो कई बार बेहद घातक हो सकती है जो हमारे सामने भी दिखाई पड़ रहा है। उनसे बस मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बाकी आवश्यकता हमारे स्तर पर हम प्रशासन पुलिस और मंदिर कमेटी के स्तर पर और ज़्यादा कार्यक्रमी किए वो हम समझते हैं, उसको हम और ज़्यादा बेटर करके इस व्यवस्था को और सुधारेंगे ताकि वो लोग जो कुछ छोटे मोटे एलिमेंट्स होते हैं जो कि जिम्मेदारी नहीं समझते, धक्का मार करके जल्दी पहुंचना चाहते हैं, हम उनको भी काबू कर सकें और उन पर उनको किसी भी तरीके से व्यवस्था बिगाड़ने में एक भूमिका निभाने नहीं दें, उस चीज़ का भी हम और ज़्यादा बेटर ध्यान रखेंगे। सर ऐसी घटना आगे ना हो उस क्षेत्र में पुलिस क्या काम करे? देखिए आज मॉर्निंग में मैंने और कलेक्टर साहब ने बहुत डिटेल में एक नए दूसरे रूट को चिन्हित किया है, क्योंकि अब हमें जो नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि यहाँ पर जो वार्षिक मेले में इंतज़ाम किया जाता है लगभग वैसा इंतज़ाम हमें पूरे वर्ष के लिए करना होगा, वो कस्बे के रास्ते से नहीं हो सकता है क्योंकि कस्बे के रास्ते को हम बैरिकेड करके बंद नहीं कर सकते। हम बाहर से एक रास्ते को चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर कि परमानेंट बैरिकेड करा करके उस रूट को पूरे 12 महीने इस बैरिकेड के माध्यम से लोगों को लाने में इस्तेमाल किया जाए। उसमें समय लगेगा, हम उसको रूट को डेवलप करके उसको कैसे बेटर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर काम करें। जल को सीकर चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जय जय राजस्थान।